नमस्कार दोस्तों राधे राधे ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हैं बेहद ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सावन में अगर आपको सपने में सांप दिख जाए तो आखिर इसके क्या संकेत होते हैं दोस्तों भोलेनाथ को सांप और सावन का महीना दोनों ही बहुत प्रिय है ऐसे में सावन के महीने में सांप का सपना देखना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है तो आइए वीडियो में जानते हैं कि सावन में सपने में सांप देखने का क्या अर्थ होता है दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई अर्थ होता है सपने में सांप को देखने का भी एक खास मतलब होता है खासकर अगर सांप का सपना सावन के महीने में आए तो इसका महत्व और ही बढ़ जाता है भगवान शिव सांप को अपने गले में धारण करते हैं और सावन का महीना भोलेनाथ को प्रिय है इसलिए सावन में सांप देखने के कई शुभ संकेत मिलते हैं अगर आप स्वप्न में सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो इस स्वप्न का संकेत होता है कि जल्द ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है यह सपना संकेत देता है कि आपकी सारी परेशानियाँ जल्द ही दूर होने वाली है वहीं अगर आप सपने में फ़न उठाया हुआ सांप देखते हैं तो ऐसा सपना देखने से जिसमें सांप ने अपना फ़न उठाया है यह बहुत ही शुभ माना जाता है इसका अर्थ है कि आप पर भोलेनाथ की कृपा है और आपको जल्द से कहीं से संपत्ति का लाभ मिल सकता है तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहेंगी धन्यवाद दोस्तों राधे राधे